तो गाइस आज है मेरे पास एक बहुत ही खास चीज। ये है दोस्तों पेंटिंग बुक, और ये कोई ऐसा वैसा नॉर्मल पेंटिंग बुक नहीं है, ये है जादुई पेंटिंग बुक, जिसके ऊपर अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो वो सचमुच रियल लाइफ में आ जाती है, जैसे सकला का बुम बुम वाला। यस दोस्तों, तो आज मैं इसके ऊपर ड्रॉ करने वाला हूँ बहुत कुछ, और देखने वाला हूँ कि क्या सचमुच में वो सब चीज रियल में आती है या फिर नहीं। पर ये वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा ही धमाकेदार, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और एंड तक तो जरूर से देखना। ये भाई सब कल भी जल्दी से तो मेरे दोस्त को ड्रॉ कर, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ओके, तो जॉब की फरमाइश है कि मैं उसके दोस्त को ड्रॉ करूँ, तो जल्दी से उसके दोस्त बंदर चिंपांजी को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं वो यहाँ रियल लाइफ में आता है या फिर नहीं। तो चलो, अभी मैंने इसका फेस को ड्रॉ कर दिया है, भाई ये किस एंगल से मुझे चिंपांजी लग रहा है, इसे तो और भी अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा, पता नहीं है रियल लाइफ में आ भी पाएगा या फिर नहीं, ये तो गारंटी नहीं है, पर इसे अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो, इसके फिंगर्स को भी ड्रॉ कर दिया, अभी दूसरे हाथ के फिंगर्स को भी ड्रॉ करके इसके पैर बना देते हैं अब जल्दी से। आई थिंक इसे पेंट भी करना पड़ेगा, वरना ये हो सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में ही चला आए। ओके, इतना ठीक है। और अभी चिंपांजी की बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट भी होते हैं, काफी सारे कलरफुल बॉडी स्पेयर भी होते हैं, तो उसे भी पेंट कर देते हैं जगह जगह पे। काफी सारे हेयर पीले कलर के भी होते हैं चिंपांजी के। चलो, अभी फाइनल लुक आ चुका है, देखते हैं वो चिंपांजी यहाँ पे आया है या नहीं। सेकेंड, ये चिंपांजी तो रियल लाइफ में आ चुका है, और देखने में बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही लगता है जैसे चौप का दोस्त था। ये वाजब, मैं हूँ चिंपांजी, और मुझे यहाँ पे किसने बुलाया? मैं तो अपने घर पे आराम कर रहा था। ओए चौप, तू यहाँ पर और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और मुझे यहाँ पे कैसे लेकर आ गए तुम लोग? मैं तो नींद में था। ए भाई साहब चिंपांजी, तुझे पता है हमारे पास मैजिकल पेंटिंग बुक है, उसी के ऊपर मैंने तुझे ड्रॉ किया और तू यहाँ पे उड़ता उड़ता आ गया। ओए, मैं नहीं मानता ये सब बातें, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अगर सचमुच में तुम्हारे पास पेंटिंग बुक है तो मुझे अपने आप का एक डुप्लीकेट बनाकर दिखाओ, फिर मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास जादुई पेंटिंग बुक है। यार, इसे तो भरोसा नहीं हो रहा है, तो चलो अभी हम लोग इसे एक छोटा सा जादू दिखाई देते हैं, हम लोग अपने आप का ही डुप्लीकेट बना के इसे दिखाते हैं। चलो, ये मैंने फेस ड्रॉ कर दिया है, पर ये मैं अपने आप का फेस तो ड्रॉ कर ही नहीं पा रहा हूँ, काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। चलो पहले मैं स्ट्रक्चर बना के अपना हेयर ही बना लेता हूँ। ओके दोस्तों, मोटे मोटे हेयर है मेरी, और ऊपर से मेरे बाल भी अजीब कलर के हैं, तो वो भी कलर कर देता हूँ जल्दी से। ओके, अभी मैंने पेंटिंग को पूरा तरीके से बना लिया है, पर मैंने इसे ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया है स्केच करके, देखते हैं रियल लाइफ में मैं आ पाता हूँ या फिर नहीं, या फिर मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक सेकेंड, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम लोगी गेमिंग का जैसा ही दिखता है। जो तुम्हारे पास तो सचमुच का पेंटिंग बुक है यार, जो जादुई पेंटिंग बुक है, सचमुच में अपने दोस्त का तुमने बिल्कुल डुप्लीकेट बनवा दिया। ए भाई सब चिंपांजी, मैंने तो तुझे बोला ही था, तुझे ही विश्वास नहीं था, अब ले देख ले, हमारे पास मैजिकल पेंटिंग बुक है जिससे हम लोग कुछ भी कर सकते, कुछ भी। अच्छा, तो तुम मानो तो तुम महिंद्रा थार रॉक्स बनाकर दिखाओ, फिर मैं तुम लोगों को मान जाऊंगा कि तुम्हारा ये पेंटिंग बुक बहुत ही अच्छे से काम करता है। मैजिकल बुक के लिए हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा महिंद्रा थार रॉक्स, तो ये तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है, तो मैं जल्दी से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मुझे महिंद्रा थार रॉक्स को डिजाइन करना है, वो गाड़ी जो अभी अभी लॉन्च हुई है उसे बनाने में तो डिफिकल्टी लेवल बहुत खतरनाक होने वाली है, देखते हैं हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट महिंद्रा थार जैसी गाड़ी बना पाएंगे या फिर नहीं। यहाँ पे मैंने दूसरा दरवाजे भी बना दिया, पर एक लाइन मैंने गलत खींच दी है, तो उसे इरेज कर देते हैं, और अभी ड्राइवर विंडो को भी सेट कर दिया है, यहाँ पे एक और लाइन बना के अभी व्हील्स को भी सेट कर देते हैं। एटलीस्ट मुझे अब सब कुछ डन लग रहा है, आगे हम लोग ग्रिल भी बना देते हैं, और ये हो गई हेडलाइट, और अभी गाड़ी को पेंट करने की बारी आ चुकी है, अभी गाड़ी को रेड कलर में पेंट करते हैं, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी गाड़ी। एलॉय को भी जल्दी जल्दी सेट कर लेता हूँ। चलो अभी पेंट कर देते हैं दोस्तों रेड कलर से गाड़ी को, और शीशे को भी पेंट करना पड़ेगा।
चलो अगर टायर्स में भी एलॉय डालना भी अभी बाकी है तो एलॉय को भी जल्दी जल्दी लगा देते हैं। ओके ये देखो ये रियल लाइफ में महिंद्रा थार रॉक्स आ चुकी है, पर ये उससे तो थोड़ी सी अलग लग रही है, पर डोंट वरी भाई तो है ना। ये भाई सब कलर बिल्कुल अच्छी लग रही है, क्यों भाई चिंपांजी चले इसमें घूमने। अरे हाँ मुझे तो यह गाड़ी बहुत पसंद आई, चलो घूम कर आते हैं, अपने डुप्लीकेट को भी घुमा देना लोगी गैमिक। अरे हाँ हाँ आ जाओ हम सब लोग चल के इस गाड़ी का राइड लेकर आते हैं। तब तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि मुझे इसके ऊपर और भी क्या क्या चीजें ड्रॉप करनी चाहिए जो रियल लाइफ में आने के बाद और भी ज्यादा मजेदार हो जाएंगी। पर अभी तो मैंने अपने आप का ही डुप्लीकेट बना लिया है, इसे भी जल्द से जल्द मुझे इरेज करना पड़ेगा, वरना अगर ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रह गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा डुप्लीकेट हमेशा मेरा साथ दे, पर मुझे इसे इरेज करना ही पड़ेगा वरना फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम हो सकती है। बिचारा बिल्कुल मासूम लग रहा है मेरे जैसे। हेलो दोस्त। हेलो सर। ये तो बात भी करता है पर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा डुप्लीकेट मेरे बगल में ही बैठा है। सर आप मुझे इरेज क्यों कर रहे हैं? मुझे इरेज मत करिए, मुझे आप लोग के साथ ही रहना है। ए भाई सब कलवे ऐसा क्यों कर रहा है भाई, मत इसे इरेज करना, मैं तुझे कितना समझा रहा हूँ इसे इरेज करके तुझे क्या मिलेगा, मेरे पास दो दो कलवे हो जाएंगे ये तो मजा आएगा ना। पर कुछ गड़बड़ हो सकता है यार, मुझे इसे इरेज करना ही होगा, दो दो फ्रैंकलिन एक ही घर में कैसे रह सकते हैं, अब मुझे मजबूरन इसे डिलीट करना ही पड़ेगा वापस से। तो चलो दोस्तों आज आखिरी बार हमारे डुप्लीकेट से मिल लेते हैं क्योंकि कल सुबह मैं उठ के इसे इरेज करने वाला हूँ। ए भाई सब कलवे मुझे तो दोनों कलवे पसंद आए, लेकिन तू ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे तो काफी बुरा लग रहा है इस दूसरे कलवे के लिए। मुझे इरेज करना चाहता है ये, इसे लगता है इसने मुझे बनाया है तो ये मुझे मिटा भी सकता है, पर अभी मेरा वक्त है, अब मैं इसे मिटाने की पूरी प्लानिंग करूंगा। इसने मुझे बनाया है तो मैं इसे अपने हाथों से नहीं, इसे किसी और की हाथों से मारूंगा, ऐसी मौत कि ये कभी किसी को नजर ना आए और सबको लगे फ्रैंकलिन जिंदा है और सब कोई मुझे असली फ्रैंकलिन समझ के मुझे ही याद करे, कोई भी इस असली फ्रैंकलिन को ना ढूंढे। और अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, पूरे शहर में तबाही मचा दूंगा, जिसके बाद पुलिस आएगी और असली फ्रैंकलिन को अरेस्ट करेगी, क्योंकि मैं सबके सामने जाकर सब किसी के सामने तबाही मचाने वाला हूँ अब। और ऐसे नहीं, अब मैं पुलिस स्टेशन आ चुका हूँ, पुलिस वालों के सामने पुलिस को मारूंगा, सब लोग मुझे पहचान जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, फिर असली फ्रैंकलिन अरेस्ट होगा और मैं अपने दोस्त जॉब के साथ आराम से उसके घर में रहूंगा। अब यहाँ कोई नहीं बचेगा मुझसे। दोस्तों एक बड़ी गड़बड़ हो गई है, एक्चुअली जिस डुप्लीकेट को मैंने ड्रॉ किया था वो मेरे घर से गायब हो चुका है और मेरी गाड़ी लेके पता नहीं वो कहाँ गया हुआ है, इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, क्योंकि उसे ढूंढना बहुत जरूरी है वरना लोगों को कंफ्यूजन आ जाएगा कि कौन सा फ्रैंकलिन इस वक्त सिटी में घूम रहा है और मैं असली हूँ या वो असली है। एक सेकेंड, पर ये गाड़ी तो मेरी कार है और उसके अंदर तो मेरा डुप्लीकेट फ्रैंकलिन बैठा हुआ है, पर वो कर क्या रहा है, वो इतनी सारी गाड़ियों को ब्लास्ट कर चुका है पर ये पुलिस स्टेशन के सामने आके गाड़ियां क्यों ब्लास्ट कर रहा है, इसके पीछे चलता हूँ। अरे ये क्या, ये तो ऑफिसर को भी कुचल रहा है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, मैंने इसे ड्रॉ करके तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो बहुत बुरी तरीके से मुझे फंसा सकता है, अगर सबको लगा कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ तब तो पुलिस मुझे ही पकड़ने वाली है। दोस्तों मुझे छिपके ही रहना पड़ेगा, चलो देखते हैं ये अभी और भी क्या क्या करता है। अरे नहीं
इसने तो गाड़ी वाले को भी ब्लास्ट कर दिया। इसका मतलब यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ ब्लास्ट हुई हैं, उन सभी को इसी गाड़ी ने ब्लास्ट किया है। एक्चुअली इस गाड़ी ने नहीं, मेरे डुप्लीकेट ने। पर ये ऐसा क्यों कर रहा है? इतना काफी होगा, अभी घर चलते हैं। वो तो भाग गया यहाँ से, पर अभी मुझे लगता है उसने जो काम किया है उसकी वजह से मैं बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला हूँ। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। सारे पुलिस वाले अलर्ट हो चुके हैं और उसी फ्रैंकी को ढूंढ रहे हैं, और उन्हें अगर वो नहीं मिला तो वो मुझे पकड़ने वाले हैं। काफी कंफ्यूजिंग भरा है, पर पकड़ा तो मैं ही जाऊंगा लगता है, इसीलिए जल्दी से छिप छिप कर घर पर चलते हैं। चलो दोस्तों, अभी बच बचा के मैं कैसे भी घर पर आ चुका हूँ। जल्दी से चल के जॉब को बताता हूँ उस नकली फ्रैंकी के बारे में कि उसने क्या क्या किया है। पर एक मिनट, अरे यार ये क्या, ये यहाँ पर पुलिस, इतने सारे पुलिस वाले मेरे घर के बाहर, लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गया असली और नकली फ्रैंकी के बीच में? एक सेकेंड, ये देखो फ्रैंकी अपने आप ही चलता हुआ हमारे सामने आ गया। अब इसे अरेस्ट कर लो, यही है असली मुजरिम, इसी ने इतने सारे ऑफिसर को मारा है। क्या वो मैं नहीं था? आप लोगों को ही कंफ्यूजन हुआ है। चलो मैं अच्छे से आप लोगों को बैठ के सब कुछ बताता हूँ। चल चल बता क्या बताना चाहता है तू, और जो भी बताना है कोर्ट के अंदर भी बताना, क्योंकि फांसी की सजा तो तुझे वहीं पर होगी। यार ये लोग तो कंफ्यूज करके मुझे बहुत बुरी तरीके से पागल कर देंगे। गाइस आप लोगों को तो सब कुछ पता है, कमेंट में आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो कि क्या हुआ है मेरे साथ, और इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दो, और नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो हैशटैग नेक्स्ट पार्ट लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।